कि मैं वोट हूँ, मुझसे ही पक्ष है, मुझसे ही विपक्ष है, और अगर मैं हूँ तो जिसके साथ मैं हूँ उसी की बहुमत की सरकार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है? बहुत गलत किए हैं, आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो रहा है, जो भी कर रहे हैं आरजेडी वाले चाहे बीजेपी वाले कर रहे हैं, लोग गलत कर रहे हैं। है आया और गया, उससे जनता को क्या मतलब, जनता को क्या फायदा? तो जोर घटाव जो होता है वो उनके अपने स्वार्थ के लिए होता है। बिहार में सियासी हलचल बड़ी हुई थी और इस हलचल ने अब नया रूप ले लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद जब राजभवन से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से कहा कि राजद के नेताओं से उनकी अच्छी नहीं बन रही थी, जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार आम लोगों की भी निगाहें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार इस्तीफा देते हैं और फिर राजद के खेमे में चले जाते हैं और फिर इस्तीफा देते हैं और फिर एनडीए के खेमे में आ जाते हैं। ऐसे में बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं असमंजस में है कि आखिर यह जो इस्तीफा देने वाला का दौर चलता है नीतीश कुमार का, कभी वो भाजपा के साथ होते हैं, एनडीए के साथ होते हैं और कभी महागठबंधन के साथ चले जाते हैं। इसलिए इन सब पूरे बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए छपरा की जनता है। ये छपरा की जनता इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचती है, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया है, क्या सोचते हैं आप इस पूरे हलचल पर? सोचना यह है कि ये हम आम जन के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुमार को लग रहा है कि उनके राजत्व उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी तरह हम लाखों मतदाताओं के साथ नेता लोग मिलकर खिलवाड़ कर रहा है। मैं भाजपा को भी बोल देना चाहता हूँ, भाजपा भी ये कर रही, जब नीतीश आते हैं तो उसको ज्वाइन करवा लेती है, फिर जाते हैं तो उनका शिकायत करती है, और नीतीश भी जब राजद से हटते हैं तो कई तरह के उस पर ब्लेम लगाते हैं, फिर राजद में जाते हैं तो उनके भतीजे बन जाते हैं तेजस्वी यादव, और नीतीश कुमार चाचा बन जाते हैं, फिर यही तेजस्वी यादव फिर इस नीतीश कुमार को फिर गाली देंगे, अरे तेजस्वी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव लालू यादव को गाली देंगे, फिर नहीं परसों अगर नीतीश कुमार भाजपा छोड़ के राजद में जाएंगे फिर उनके चाचा हो जाएंगे और लालू यादव बड़े भाई हो जाएंगे और ये भाजपा इनके लिए फिर गलत हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि जो जनादेश जनता देती है तो नेता उसका सम्मान कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं सम्मान कर रहे हैं नेता लोग, हम आम जन को मतदाताओं को खिलौना समझ के रखे हैं और भावनाओं को खिलौना की तरह तोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस तरह अगर नीतीश कुमार नौवीं शपथ ले रहा है, नौवीं बार शपथ ले रहे हैं, उसे मेरा बॉस चले तो मैं उनका 9000 पुतला दहन करूँ यहाँ पे और भाजपा का पुतला दहन करूँगी। भाजपा भी अभी ऐसी पार्टी नहीं रह गई है जो बार बार एक आदमी जा रहा है बार बार बुला रहा है। आज फिर मैं कह रहा हूँ, आज नीतीश कुमार भाजपा की प्रशंसा करेंगे और कल छोड़ना होगा तो भाजपा शिकायत करेंगे, मोदी जी को गाली देंगे। भाजपा तो नैतिकता वाली पार्टी है, वो नैतिकता का दुहाई देती है। कोई नैतिकता नहीं है किसी, आज प्रमाणित हो गया, कोई भाजपा हो राजद हो कोई पार्टी उस पर कोई नैतिकता नहीं है, सबको बस कुर्सी का लाभ है, कुर्सी का लोभ है, अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं। कोई समाज में क्या चर्चा है, एनडीए को इंडिया को तोड़ना था मोदी, अरे इंडिया को क्या तोड़ रहे हैं, हमारी भावनाओं को तोड़ रहे हैं, आम जन की भावना को तोड़ रहे हैं मोदी जी भाजपा नीतीश, ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत भुगतना। हम लोग भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तमाशा बना के रखे आप लोग, जब भी मन के जब रात में सुबह में रात में दूसरे पार्टी में सुबह में दूसरे पार्टी में, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग, जान लीजिए चाहे मोदी हो चाहे नीतीश हो चाहे कोई हो। बिल्कुल, ये आम जनता की भावना है। और हमारे साथ वाचस्पति सर भी हैं, सर नीतीश कुमार एक बार फिर से आज इस्तीफा दे देते हैं और कयास लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं, किस क्या आपको लगता है ये पूरे घटनाक्रम पे? ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सही है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है नीतीश जी के साथ है, जिधर जाएंगे उधर ही मना लेंगे, लेकिन न उनके वैसे व्यक्ति के लिए यह ठीक है और न भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक है, इसलिए कि यह जो तख्ता पलट हो रहा है इसका कोई सिद्धांत भी तख्ता पलट है ना, ना पहले भी छोड़े थे तो कोई सिद्धांत था ना आज भी कोई सिद्धांत है, तो यह मानते हैं कि यह जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए और खासकर बिहार के लिए बहुत ही दुर्दन की स्थिति है और आम लोगों का विश्वास जो है इन लोगों से हट रहा है, इसलिए कि हम चुनते हैं एक मजबूत सरकार बनाने के लिए, एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए, लेकिन यह जो हो रहा है कभी इधर गए कहीं उधर गए, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, हालांकि नेता एवरीथिंग इज फेयर इन लॉ एंड पॉलिटिक्स, तो कहीं ना कहीं नेताओं को भी यही लगता है कि हर कुछ जो वो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जनता क्या सोचती है ये जानना जरूरी है। क्या लगता है ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो राजद को छोड़कर और अब दूसरे खेमे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार में जो ये लगातार ये बातें आ रही हैं इससे किस तरह का प्रभाव बिहार का के बाहर के लोगों पर पड़ता है? देखिए, हम लोग तो आम वोटर हैं और
हम लोग को सीधे मतलब है कि सरकार किसी की भी रहे, जनता के विकास का कार्य हो, जो भी सुविधाएं हैं हम आमजन को वो मिले, सरकार कोई भी हो, लेकिन बिहार में सरकार से लेना देना हम लोग को नहीं है। हम लोग आम वोटर हैं, हम लोग को अपनी सुविधाएं चाहिए। सरकार जो भी है आमजन को ध्यान रखे, शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य, सब सड़क, ये जो भी चीज़ें हैं मूलभूत सुविधाएँ, वो सही तरीके से मिले, यही है। और रही बात कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ आता है, तो एक सामान्य वोटर को उतना ध्यान हम लोग देते नहीं हैं। मेन मतलब है जो तो ऐसा आपको नहीं लगता, ऐसा आपको नहीं लगता कि सामान्य वोटर जो है वो ठगा जाता है? हर बार नेता अपनी तरफ से वोट लेते हैं अलग गठबंधन से, फिर अलग गठबंधन में चले जाते हैं, और फिर अपनी ज़रूरतें जब पूरी हो जाती हैं तो फिर वो लौट आते हैं। तो जो सामान्य वोटर है वो समय आने पर तो अपनी जो ताकत है वो दिखा ही देता है, और अभी तो बहुत समय है, समय आने पर सामान्य वोटर उसका निर्णय लेगा, लेकिन तत्काल में कोई कहीं जाए आए उससे हम लोग को क्या है, लेकिन हम लोग को अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका विकास चाहिए हम लोग को। बिल्कुल, जनता को यही चाहिए कि नेता जो हैं वो उनको विकास दें, लेकिन नेता जो हैं वो अपने तरीके से जनता का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा ही बिहार में लगातार प्रयोग दिख रहा है। और हर बार एक पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार रहती है, चाहे वो राजद हो चाहे भाजपा हो, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। इस बार फिर से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? सरकार है, आया और गया, उससे जनता को क्या मतलब, जनता को क्या फायदा? तो जोर घटाव जो होता है वो उनके अपने स्वार्थ के लिए होता है। तो सरकार जो है मान लिए कि इस्तीफा ये दे दिए, फिर भाजपा के साथ आ गए, पहले भाजपा को छोड़ कर RJD के साथ गए, फिर इसमें आ गए। हम तो जो है RJD के शासन काल को जानते हैं, 90 से लेकर 2005 तक, 2005 के बाद ये श्रीमान नीतीश कुमार बाबू आए। बड़ी उम्मीद थी, लेकिन हम तो वहीं के वहीं हैं। आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी जो है गोल है, प्रत्येक दिन अस्पतालों में हो हल्ला हंगामा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे और मूलभूत, एगो हम आदमी को भेज दिए हैं ठेला चलाने वाले को कि बाजा का ऑपरेशन सदर अस्पताल में करवा लीजिए, मैं DS से मिल के आगे बोल के गया था, लेकिन वो लोग 3 महीना तक उसको दवाई से पका के चुहा देने के फेर में लगा, लेकिन 3 महीने तक ऑपरेशन नहीं हुआ। जब हम गए हल्ला गुल्ला हुआ तब जाके ऑपरेशन हुआ। तो ये व्यवस्थाएँ ना सुधरनी चाहिए जनता। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम तो विधायक और MP हैं नहीं, हम तो आम नागरिक हैं, और हम प्रत्येक दिन आज 15 साल से मैं जल जमाव से परेशान हूँ। आप मेरा मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आज भी नियमित मैं घुटने भर गंदगी तैर के आता हूँ और मजाक में लिखता हूँ कि सर को घींचे वाला गाड़ी भेज देना। तो मुझे तो सुविधाओं से ना मतलब है, नेता मंत्री किधर भी रहें आपको सुविधाओं से मतलब? तो आप एगो चीज़ बताइए, औजार वही है भोथर पुराना औजार जो है, मान लिया कि कहीं से दाब मिल जाए खूब बढ़िया आपको, पुराना भोथर मुरचाइल आ लिया के बढ़िया शोरूम में टांग दीजिएगा, तो काम थोड़े करेगा दबवा, उसको तो धार लगाना होगा ना, पिजाना होगा ना, जनवाणी को सुनना होगा ना, जन शिकायत लोक शिकायत पे काम करना होगा ना, अनहड़ा लंगड़ा गुंगड़ा बहिरा को कम से कम पेंशन भी तो समय से मिलना चाहिए ना, नाली और सड़क का गुणवत्ता का भी जो है सवाल उठना चाहिए ना। जनता जो शिकायत देती है उस पर रिव्यू क्यों नहीं होता है गवर्नमेंट का किसी का? ये तमाम इनकी बातें हैं कि विकास पर ध्यान देना चाहिए चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन सरकार जो है वो बार बार जो मुखिया है वो बदल रहे हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग और भी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है फिर से, क्या गलत किए हैं? आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री 15 बार पूरा बिहार का ठीका लेके बैठे हो कि हमेशा मुख्यमंत्री वही बनेंगे, बिहार में और कोई नेता नहीं है, हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम लोग वोट दे रहे हैं BJP को, बाद में पता चल रहा है कि वो चले गए उधर। इसके बाद से होगा कि कभी ना कभी पूरा बिहार का लोग नोटा पे वोट देगा, हम लोग नीतीश कुमार को अब हजम नहीं कर सकते हैं। तो भाजपा ही तो सपोर्ट दे रही है फिर से, तो भाजपा भी खराब हो गई है ना, हम लोग उनको भी वोट नहीं देंगे अब, ना BJP को देंगे ना राजद को देंगे, कोई नया पार्टी ऐसा आए जो कुछ बिहार का विकास कर सके उस पार्टी को वोट देंगे, हम तो नोटा पे वोट देंगे, और पूरा बिहार के जनता से बोलेंगे कि नोटा पे वोट दो, एक्सेप्टेबल नहीं है नीतीश कुमार। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो उसे लग रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हर पार्टियां आखिर जोर लगाने के लिए क्यों लग रही हैं, आखिर क्यों नीतीश कुमार को ही राजद को भी अच्छे लगते हैं और नीतीश कुमार ही भाजपा को भी अच्छे लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो सुविधाएँ हैं और जनता की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं,
लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं उनका जो खेल है वो लगातार चलता रह रहा है। और इस बार भी वही हुआ कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है तो वह फिर से सरकार बनाएंगे, तो 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे यदि वो फिर से शपथ लेते हैं तो। लेकिन अब लगातार ऐसा लग रहा है कि जो तमाम लोग यहाँ हैं उनके एक्सपर्ट एडवाइस भी हमारे पास चाहिए कि भाई किस तरह से आप देखते हैं 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हर बार अभी आप एक बंधु ने कहा कि जनता का जो वोट है, जो मैंडेट है, उसे कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं नेता। देखिए, आपकी इस बातों पे तो एक सामान्य वोटर ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं इतना ही चार लाइन कहूँगा। मैं वोट हूँ, मुझसे ही पक्ष है, मुझसे ही विपक्ष है। और अगर मैं हूँ तो जिसके साथ मैं हूँ उसी की बहुमत की सरकार है। सही बात है। तो वोट है, जनता तो यही, जनता को यही पता है कि वो वोट है और वो वोट करेगी तो बहुमत की सरकार। माने इस्तीफा दे दिया है, नया बात नहीं है, नया बात नहीं है बिल्कुल। मेरा जन्म मतलब 28 साल हो गया आज से, जब से जन्म लिए जब से सुनते आ रहे हैं नीतीश कुमार। क्या मतलब वही नीतीश कुमार है जो बिहार को आगे बढ़ाएंगे? और कोई नहीं है। हो रहा है, लेकिन जो भी कर रहे हैं RJD वाले चाहे BJP वाले कर रहे हैं लोग गलत, लेकिन इसमें सोचना कि आपके अनुसार नए नेता को मौका देना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सोच रहे हैं कि मेरा 28 साल उम्र हो गया, अभी तक जब तक सुन रहे हैं नीतीश कुमार, क्या ये गुलामी वाला बात है? हम लोग गुलाम थोड़ी हैं। लेकिन सरकार कब किसके साथ चले जाएं ये कहीं तय नहीं हो पा रहा है, और कब सरकार बदल जाए इसको लेकर लोग हमेशा चर्चाएं कर रहे हैं। और इस बार भी वही हुआ है, नीतीश कुमार राजद खेमे को छोड़कर अब NDA खेमे की ओर बढ़े हैं और फिलहाल इस्तीफा दे चुके हैं। और अब वह कब मुख्यमंत्री के पद पर फिर से शपथ लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति से जनता का जो मैंडेट है, जनता की जो भावनाएँ हैं, वो कहीं ना कहीं आहत हो रही हैं। सुरभित, छपरा टुडे.com।